हे गाइस, तो आज का वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको ऐसे साइकिल जिसमें आगे और पीछे दोनों कार का टायर यूज करके बताने वाला हूँ। इसके पहले मैंने एक साइकिल का वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने पीछे कार का टायर यूज किया था, तो काफी लोग की डिमांड थी कि सर आगे पीछे दोनों करिए और उसको इलेक्ट्रिक करके दिखाइए और हम लोग भी बना सके चला सके ऐसा कुछ बना के दिखाइए। तो आज की वीडियो में आपको वही बना के दिखाने वाला हूँ, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहना, काफी मजा आएगा। तो फटाफट वीडियो करते हैं। हमें से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पीसीबी डिजाइनिंग करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, पर्सनली ये चीजें मुझे भी पसंद है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए एल्टियम आपके लिए लेके आया एल्टियम डिजाइनर और एल्टियम 365। जिनको नहीं पता उनको बता दो, एल्टियम डिजाइनर वर्ल्ड का मोस्ट ट्रस्टेड पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप पीसीबी की छोटी से छोटी डिटेलिंग को भी इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे हाल फिलहाल में एल्टियम ने लॉन्च किया है एल्टियम 365 जो एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर एक प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल लोग जुड़ के एक प्रोजेक्ट के अंदर काम कर सकते हैं। इवन आप अपने प्रोजेक्ट को कहीं पे भी किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर एल्टियम 365 में उन्होंने दिए हैं, तो देर किस बात की, इनके मैं फ्री ट्रायल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहां से जाके आप चेक करिए। देर किस बात के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके आप चेक करिए। फाइनली जो हमारा हब का काम था कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा रेयर का हब है, ये हमारा फ्रंट का हब है। हब का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया है, तो ये जो आप सेंटर वाला जो पाइप देख रहे हैं इसके आपको इस साइड बैरिंग दिख जाएगा और दूसरे साइड में भी आपको बैरिंग दिख जाएगा। यहाँ से बैरिंग बाहर ना निकले इसके लिए यहाँ पे हमने लॉक लगाया है। और सेंटर में ये जो आपको ये प्लेट दिख रहा है, इस प्लेट के साथ में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6 होल दिखेगा। ये सेम होल हमारे व्हील के रिम में भी है, तो ये सीधा जाके रिम के साथ में अटैच होकर यहाँ से नट बोल्ट से टाइट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने थ्रेड बनाया है, ये थ्रेड पे जो हमारा डिस्क लगेगा जो हमारा ब्रेकिंग का काम करेगा। ये हमारा हो गया फ्रंट का और ये हमारा हो गया रियर का। रियर में यहाँ पे देखेंगे तो दोनों साइड हमारा थ्रेड है, एक साइड में यहाँ पे हमारा चैन के लिए यहाँ पे हमने गियर फिट कर दिया, दूसरी साइड में हमारा डिस्क फिट होगा। यहाँ पे इस तरीके से डिस्क फिट हो जाएगा, उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पे हमारा चैन लगेगा, यहाँ पे हमारा डिस्क ब्रेक लगेगा और बीच वाली प्लेट में जो हमारा पीछे का व्हील फिट होगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड जैसे बताया था बैरिंग डाला हुआ है, इस बैरिंग के बीच हमारा ये एक्सल जाएगा। जिस तरीके से आपने साइकिल में देखा होगा एक्सल जो रहता है हमारा फिक्स रहता है और जो हब है वो रोटेट करता है, उसी तरीके से इसके अंदर भी जो है यहाँ पे एक्सल जो हमारा फिक्स रहेगा इस तरीके से और जो व्हील है हमारा रोटेट करेगा। तो एक बार मैं आपको व्हील जो है फिट करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसका वर्किंग रहेगा और किस तरीके से ये फिट होगा। तो यहाँ पे आप जो ये दोनों टायर देख रहे हैं, ये दोनों टायर हम लोग यूज करने वाले, ये देखने में आपको काफी बड़ा और हैवी दिखता होगा। बड़ा तो है लेकिन ये हैवी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें जो है ट्यूबलेस टायर है और ये जो रिंग दिख रहा है आपका एलॉय टायर, इसका वेट जो है काफी हल्का है। एक बार मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ जिससे आपको वेट का जो है अंदाजा लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी हल्का टायर है, इसको मैं एक हाथ से भी उठा ले रहा हूँ जिससे क्या है कि साइकिल में जो हम लोग फिट करेंगे तो उसका लोड जो है काफी बढ़ेगा, नहीं चलाने में मजा आएगा। तो ये जो है आप कोई भी पुराना सेकंड हैंड यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास नया मिल जाता है तो नया भी आप यूज कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे सेंटर में हब फिट करके दिखा देता हूँ।
यहाँ पे आप जो सस्पेंशन देख रहे हैं, ये हमारा फैट टायर का सस्पेंशन है, काफी हैवी और मजबूत सस्पेंशन है। इसी को हम लोग यूज करने वाला, हाइट जो हमारा एकदम प्रॉपर है, बस यहाँ से हम लोग कट करके इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे, तो ये एज इट इज यही सस्पेंशन हमारा यूज हो जाएगा। अगर आपके पास ये हो तो ये यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप नया बना सकते हैं। इसमें सस्पेंशन था इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो फटाफट मैं आपको इसको चौड़ा करके बड़ा करके फिट करके दिखा देता हूँ। Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly.